एक जमाना था जब फर्रुखाबाद का जरदोजी वक व सदवाड़े की सिल्क प्रिंटिंग देश विदेश में मशहूर थी। सदवाड़े का प्रिंटिंग वक यहाँ लगभग समाप्त प्रायः हो चुका है। नोटबंदी व जीएसटी के बाद जरदोजी वक भी बंदी के कगार पर है। शायद कुछ मशहूर बड़ी फर्में अभी जिंदा है। जरदोजी, कढ़ाई, बुनाई व हैंडवर्क किसी भी देश की अच्छी आर्थिक स्थिति का सूचक होता है। जिन कौमों में शिक्षा की कमी है वहाँ औरतें, लड़कियां व बच्चे घर में ही अटे लगा बड़ी आसानी से रोजी रोटी कमा लेते हैं। लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी है। जरदोजी कारीगरी रिक्शा चला रहे हैं। काम लगभग समाप्ति पर पहुंच गया है। इस समृद्ध कलाकृति ने मुगल काल के दौरान भारतीय भूमि में अपनी जगह बनाई। इस कढ़ाई का उल्लेख भारतीय ग्रंथों में ऋग्वेद के समय से मिलता है। जाहिर तौर पर इसका इस्तेमाल मुगलों की तंबू की दीवारों के साथ साथ भारत के महाराजाओं के शाही परिधानों पर भी किया जाता था। पर्शियन भाषा में जरदोजी का मतलब होता है सोने के धागे से कपड़े पर कढ़ाई। जरदोजी का इस्तेमाल मोहम्मद बिन तुगलक से शुरू हुआ। मुगल काल में रानियों बेगमों की साड़ियों, लहंगों, पर्दे, टेंट व दीवार पर टांगने के लिए सीनरी आदि का जरदोजी वक पसंदानुसार विशेष कारीगरों द्वारा करवाया जाता था। धीरे धीरे जरदोजी का कार्य घर घर में लघु उद्योग के रूप में विकसित होने लगा। यह लघु उद्योग राज्य की आर्थिक स्थिति की रीढ़ बन गया। मुगल बादशाह अकबर ने सोने, चांदी में हीरे जवाहरात, मोती व नगों के जड़ाव जेवर के साथ प्रयोग कर जरदोजी कला को नया आयाम दिया। मुगल काल में जरदोजी का काम गांव गांव फैल चुका था। बाद के वर्षों में नवाबों की उच्च मान के कारण नवाबों का शहर लखनऊ इस तरह की कढ़ाई का केंद्र बन गया। औरतों व मर्दों के लिए घर बैठे आमदनी का बहुत अच्छा जरिया बना। औद्योगिकरण के कारण इस लघु व घरेलू उद्योग पर असर पड़ते दिखने लगा। लेकिन जरदोजी का सफर बदस्तूर जारी रहा। फर्रुखाबाद में जरदोजी का इतिहास 200 वर्ष से भी ज्यादा पुराना है। बंगश नवाबों ने इसे गांवों गांवों तक पहुंचाने की कोशिश की। विश्व में जरदोजी से फर्रुखाबाद की पहचान है, जो शायद अब खत्म होने की कगार पर है। जरदोजी फर्रुखाबाद की आर्थिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। इस कला के सबसे पुराने उस्ताद बशीरुल्लाह माने जाते हैं। फर्रुखाबाद का जरदोजी कला उद्योग भारत में जरदोजी कला का मुख्य केंद्र था। तेजी की वजह से अब लहंगे आर्टिफिशियल जरी व नगीनों से बनने लगे हैं। चुन्नी, साड़ी व पंजाबी सूट पाकिस्तान, अरब मुल्कों, कनाडा, जर्मनी आदि अनेकों देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक यह उद्योग फर्रुखाबाद के लगभग 2 लाख अल्पसंख्यकों की आमदनी का जरिया बन चुका था। स्वर्गीय नियाज अहमद खां फर्रुखाबाद में इस कला के बुनियादी व्यक्ति थे। इसके निर्यात क्षेत्र में अजंता एम्ब्रॉयडरी एंड प्रिंट्स, रहमानी जरी उल्लेखनीय एक्सपोर्टर हैं। शफी अहमद खां व कई अन्यों को जिन्हें छोटाऊ प्र सरकार से शील्ड व महामहिम राष्ट्रपति द्वारा एक्सपोर्ट के क्षेत्र में गोल्ड मेडल प्रदान किया जा चुका है। एक अनुमान के अनुसार 1 करोड़ रुपया रोज का माल विभिन्न देशों को सप्लाई होता था। पिछले कई वर्षों से एक्सपोर्ट्स पर कई कारणों से मंदी की मार थी। बची कसर नोटबंदी व जीएसटी ने पूरी कर दी। एक रिपोर्ट के अनुसार 90% धंधा ठप हो चुका है। फर्रुखाबाद में जरी का काम शाहजहानपुर, हरदोई, बदायूं, बरेली, एटा, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज व कांशीराम नगर में लाखों की रोजी का सबब है, जो देश आठ कारीगरी लघु उद्योग आदि छोटे धंधों को बढ़ावा देते रहते हैं। वे देश आर्थिक रूप से अति संपन्न होते हैं। उन्हें जीएसटी की चिंता नहीं करनी पड़ती। विश्व में जरदोजी से फर्रुखाबाद की पहचान है, जो शायद अब खत्म होने की कगार पर है। जरदोजी फर्रुखाबाद की आर्थिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है।